कुसुम पड़े माथम। Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. मैंने देखा कि पेरिस कॉर्नर पे एक नया लॉन्च हुआ है एंड दैट इज वो पेटिसरी। आई नो यूट्यूब पे हेयर एंड देयर इसके बारे में बात हो रही है बट पीपल आर नॉट लाइक वेरी एक्टिवली टॉकिंग अबाउट इट एंड आई डोंट नो व्हाई। सो या आई एम गोइंग टू शेयर माई थॉट्स अबाउट वो पेटिसरी विद यू गाइज। सो लेट्स रोल द इंट्रो वेरी वेरी क्विकली। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जर्जॉफ जैसी बॉटल है एंड इट्स अ वेलवेटी बॉटल। ग्लास बॉटल पे वेलवेटी कोटिंग है। इट्स जस्ट फीलिंग लग्जूरियस, लुकिंग लग्जूरियस और इट्स रियली इचिंग दैट स्क्रैच ऑफ ओनिंग अ बॉटल दैट लुक्स लाइक जर्जॉफ, नॉट इन अ चीप वे बट एक्चुअली इन अ वेरी लग्जूरियस क्लासी वे। इट इज सेट टू बी अ ड्यू फॉर जर्जॉफ्स इटालिका। मैंने तो वो ट्राई नहीं किया है तो पर्सनली मैं क्लेम नहीं कर सकती हूँ बट हाउ द इंटरनेट हैज़ बीन क्लेमिंग दैट, सो आई एम जस्ट गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन। एंड नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू द नोट्स ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। के टॉप में हमारे पास है टैंजरिन, कार्डमम एंड सैफरन। हार्ट नोट्स हैव रोज, एप्पल एंड मिल्की नोट्स। बेस वी हैव वनीला एंड सैंडलवुड। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए ये फ्रेग्रेंस एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। एवरीबडी इज़ कॉलिंग इट समथिंग और द अदर बट आई हैव माई ओन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सबसे पहली बात, मैं आई वुड रियली लाइक टू ब्रेक इट डाउन टू यू दैट आई लव दिस फ्रेग्रेंस। आई वॉज मतलब मेरा ना किस्सा डिलिशियस के साथ अभी तक, हो सकता है उसकी मैसरेशन में और टाइम लगे और उसको थोड़ा डिवेलप होने में और बेटर होने में टाइम लगे। हो सकता है मेरी बॉटल बहुत न्यू हो बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक आई एम नॉट लाइक इन लव विद किस्सा डिलिशियस। आई एम नोटिसिंग कि वो स्लाइटली बेटर हो रही है बट उसकी वजह से ना अगेन मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी अबाउट बाइंग अ फ्रेग्रेंस फ्रॉम पेरिस कॉर्नर बट देन इट केम इन एंड आई ट्राइड इट। मेरे पर्सनल ओपिनियन में लेट मी जस्ट स्प्रे दिस on my skin because I would really like to give you a true explanation with this. Iski opening mein bahut hi beautiful thoda sa food flavoring jaisa orange ka note hai, like literally like clementines, like sweet clementines but in a food flavoring kind of way which is mixing with the cardamom, aur wo cardamom isko almost like orange juice mixed with cardamom and smelling very very mouth watering jaisa feel de raha hai. I do not notice that much of a saffron in it but yes, I think definitely saffron isme thodi si depth provide kar raha hai aur thoda sa wo mouth watering facet ko aur zyada develop kar raha hai by giving it bit of this cloudiness. Now talking about the rose, apple and milky notes in the middle, I just feel that मिल्कीनेस इसमें थोड़ी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो रही है और ज़्यादा जल्दी टेक ओवर कर रही है राइट आफ्टर द कार्डमम एंड देन दैट रोज एंड सैफ्रन आर जस्ट काइंड ऑफ एडिंग अ स्लाइट बिट ऑफ लाइटनेस टू इट, जो कि फ्लोरल्स का सपोर्ट हमें हर फ्रेग्रेंस में चाहिए होता है टू यू नो मेक इट लाइट एंड मोर पैलेटेबल। एप्पल इज नॉट टेकिंग द फोरफ्रंट। अगर नोट्स में लिस्टेड नहीं होता तो मैं बता भी नहीं पाती कि इसमें एप्पल है बिकॉज आई एम नॉट रियली स्पेलिंग एप्पल इन इट। प्रोबेबली दैट एप्पल इज जस्ट काइंड ऑफ एडिंग दैट फ्रेशनेस एंड क्रिस्पीनेस टू इट एंड देन ऑल ऑफ दिस कम्स डाउन एंड वनीला एंड सैंडलवुड टेक्स ओवर। नाउ ये तो हो गया इसके नोट्स का एक्सप्लेनेशन बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि मुझे ये फ्रेग्रेंस कैसा स्मेल करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द क्वेश्चन वेदर दिस इज़ अ गुड गोमॉन फ्रेग्रेंस और नॉट। यस इट इज़, ये बहुत अच्छी गोमॉन लॉन्च रही है। जब ये शुरू में आई थी, आई थिंक आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स नाउ। मुझे पता है मैं टाइम लेती हूँ वीडियोज शूट करके अपलोड करने में और फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करने में, तो 2 वीक्स पहले कि थोड़ी सी यू नो इसके मिल्की नोट्स उतने डेवलप नहीं हो रहे थे एंड आई थिंक देर विल बी अ टाइम व्हेन आई विल हैव टू गिव यू अ मैसरेशन अपडेट ऑन दिस बट व्हाट आई कैन टेल यू इज दिस प्राइस रेंज एंड दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इट इज अ जेम। इट इज ब्यूटिफुल, इट इज माउथ वाटरिंग, इट इज एग्जैक्टली लाइक, अगर मैं ये बोलूँ ना कि ये एक ऑरेंज मिल्की गोरमॉन फ्रेग्रेंस है, आई वुड नॉट से दैट। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट दिस टू मी स्मेल्स लाइक शुगर पाउडर कोटेड, वो
आइसिंग शुगर होती है ना, सो इफ मार्श मेलोज आर कोटेड विद आइसिंग शुगर और वो मार्श मेलोज ऑरेंज फ्लेवर्ड मार्श मेलोज हैं, तो आई नो एवरीबडी एल्स इज गोइंग इन सम अदर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन विद दिस. दे आर सेइंग दैट इट स्मेल्स लाइक पेस्ट्री, इट स्मेल्स लाइक अ पेटिसरी एंड ऑल ऑफ दैट. आई डोंट नो डिनाई दैट, आई मीन या हियर एंड देयर इन सम वे, बट इट्स नॉट अ वॉर्म और अ वेरी dense or thick kind of gourmand. It is more of your light and bright and fluffy kind of gourmand. Agar marshmallow orange flavor mein hoga aur us pe thoda sugar powder ya icing sugar sprinkle kiya hua hoga aur wo coated hoga usse, to this is what that will smell like, trust me on that. To mera nose kuch alag hi detect kar raha hai fragrance mein, and I'm really liking this fragrance. Jis din se ye fragrance aayi hai, I have been obsessed with this. Main chahe thanda din ho ya fir ek garam din ho, dhoop nikal rahi ho, I can wear this. Iske fluffy lick tonic notes aur orange ke notes itne beautifully balanced out hain कि ये फ्रेग्रेंस आपकी ऑल ईयर राउंड गोमंड हो सकती है. हम जब खैर पिस्ताचियों की बात करते हैं या फिर लेट्स से ख्याली के यम पिस्ताचियों की बात करते हैं, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड यम पिस्ताचियो टू बी. मैं चाहती थी कि यम पिस्ताचियो में ये थोड़ा गोमंड वाला फील होके और एक लाइट फ्लफी स्वीटनेस होती, जो कि इसमें एकदम स्पॉट ऑन है और उसमें थोड़ा सा फ्लोरल फैसेट ज़्यादा है. तो आई कैन से दैट आई लव दिस मोर. दिस इज़ द सेंट स्ट्रक्चर आई वांटेड इन यम पिस्ताचियो फ्रॉम ख्याली. एंड अनदर थिंग, देर इज़ अनदर फ्रेगरेंस, जब मैं शुरू में इसको ट्राई कर रही थी ना, देर वॉज अनदर फ्रेगरेंस जो मेरे दिमाग में आ रही थी, वो थी मसाबा का मीठा. नाउ अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, मीठा का एक बहुत ही पाउडरी स्वीट ड्राई डाउन है विद अ लॉट ऑफ मस्कीनेस टू इट. नाउ दिस ऑल्सो हैज़ अ पाउडरी स्वीट ड्राई डाउन. मैं वो मार्श मेलोज को जो आपको कह रही हूँ ना कि उस पर आइसिंग शुगर स्प्रिंकल हुई हो और वो कोटेड हों उस आइसिंग शुगर से, सो दैट काइंड ऑफ फील इट हैज़. इसका सैंडलवुड और वनीला बहुत ही स्वीट पाउडरी है ड्राई डाउन में जाके, एंड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल आई हैव स्मेल्ड. आई मीन दिस इज़ डन टू द परफेक्शन, ट्रस्ट मी ऑन दिस. मतलब मैं पैरिस कॉर्नर की क्वालिटी और इसकी सेंट स्ट्रक्चर के साथ इस बार बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. मैंने सोचा नहीं था कि मैं पैरिस कॉर्नर की फ्रेगरेंस को इतना ज़्यादा पसंद करूँगी. आई मीन आई लव माई लताफाज, there is no doubt about that, lekin genuinely telling you eclair se bhi zyada I am reaching out for this and I am so damn happy to have this. agar isi rate pe main isko use karti rahi na, 2 hafte mein maine isko itna use kar liya hai, to agar main isko itna use karti rahi, I'll have to back up this one for sure, because this is just true love. This is like a gourmand fragrance lover's heaven. This is a fragrance that they can wear in the summers as well. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, बहुत ज़्यादा थिक, सिकली स्वीट ये बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ जस्ट अ फ्रेगरेंस जो कि बहुत ही वेल बैलेंस्ड आउट है, और ड्राई डाउन का जो इसका पाउडरी स्वीटनेस है, शुगरी पाउडरी स्वीटनेस, वो भी एकदम परफेक्ट है. वो अनोइंग नहीं है, वो इरिटेटिंग नहीं है. जैसे मसाबा का मीठा बहुत गंदा ड्राई डाउन है, आई मीन आई जस्ट हेट द ड्राई डाउन ऑन मसाबाज मीठा. इसीलिए शायद कोलैबोरेशन के लिए मैसेज भी आया था, मेरा चैनल देखा होगा तो उन्होंने सोचा होगा इसके साथ कोलैबोरेट नहीं करते हैं, ये हमारे परफ्यूम्स को अच्छा नहीं बोल रही है. सो या व्हाटएवर, सो दैट इज रू पेटिसरी. हाईली 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 रिकमेंड दिस. और कुछ लो ना लो, गोमोन लवर हो नहीं हो, डज नॉट मैटर, यू गो एंड बाय वू पेटिसरी. दिस इज़ अ फ्रेगरेंस, इफ़ यू आर अ परफ्यूम कलेक्टर यू नीड टू हैव दिस ब्यूटिफुल फ्रेगरेंस. आपको जर्जॉफ का बॉटल मिलेगा, मतलब उस शेप का बॉटल मिलेगा, बहुत ही अच्छी फजी फील वाली बॉटल है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, द फ्रेगरेंस इन साइड इज़ जस्ट इनक्रेडिबल. ये इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ, आई जस्ट इमेजिन अ प्रिटी वुमन विद दिस ऑन अ हैप्पी डे, एंड शी इज़ जस्ट स्मेलिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल इन अ वेरी यूनिक वे, इन अ वेरी ऑरेंजी फ्लफी मार्श मेलो वे ऑन अ डे टाइम डेट. एंड इवन इफ दैट डेट कीप्स ऑन गोइंग लॉन्ग एंड गोज टिल द इवनिंग और नाइट, शी विल स्टिल स्मेल परफेक्ट फॉर दैट. सो दिस इज जस्ट
आई थिंक इट्स अ जेम, इट इज अ जेम, एवरीबडी शुड हैव इट। मुझे नहीं पता कि मेरी बॉटल ऑलरेडी थोड़ा सा मैसरेट होके आई थी या नहीं आई थी। शुरू में मुझे थोड़ी सी तो इसकी ओपनिंग ऑफ पुटिंग लग रही थी और थोड़ी ज़्यादा स्क्रीची शार्प लग रही थी, लेकिन आफ्टर 2 weeks इट हैज़ डेफिनेटली गॉट बेटर। अगर ये इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव होके अच्छी हो जाती है, देन आई विल डू अ कलेक्टिव वीडियो ऑफ मैसरेशन अपडेट ऑन वेरियस मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेज, क्योंकि आई हैव बीन बाइंग अ लॉट दीज डेज। देर विल बी मोर रिव्यूज कमिंग अप फॉर मोर पैरिस कॉर्नर, एंड आई थिंक आई एम गोना ट्राई मेसन अल्हम्ब्रा एज वेल, क्योंकि उनकी फ्रेग्रेंसेज भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। तो उनके तो मतलब स्पॉट एंड ड्यूब्स ही है ना, तो आई वॉन्ट टू ट्राई दैट। सो या दैट्स ऑल अबाउट Vu Patisserie, own it and let me know whether you love it as much as I do or not. Aapko Paris Corner ki website pe ye zyada sasti milegi, so I would suggest that you go and buy it on Paris Corner website. That is it for today's video guys. Mujhe pata nahi kyun aise lag raha hai ki maine bahut jaldi is video ko khatam kar diya, lekin agar aap abhi bhi yahi hain aur mujhe dekh rahe hain to is video ko ek like de dijiye, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी बार मैं सब्सक्राइब और लाइक बोलती हूँ तो वो दोनों ही बटन्स कलरफुल होके ग्लो करते हैं, एंड यू रियली नीड टू नोटिस दैट एंड टैप ऑन दोज बटन्स। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर द सपोर्ट, फॉर द लव, फॉर द एंगेजमेंट, एवरीथिंग दैट यू डू फॉर दिस चैनल। आई जस्ट लव यू गाइज फॉर दैट। वी ऑल आर हियर सच अ ब्यूटिफुल सपोर्टिव एंड पॉजिटिव कम्युनिटी। मुझे हार्डली कोई नेगेटिव कमेंट देखने को मिलता है, और हेट कमेंट तो मैंने शायद ही कभी देखा होगा इस चैनल पे। सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड अबाउट दैट। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज एज माय परफ्यूम कम्युनिटी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लुकिंग ब्यूटीफुल, कीप स्मेलिंग गुड, हैव अ ग्रेट डे ऑल, बाय बाय।